ट्रेंडिंग प्लेसेस चैनल में आपका स्वागत है। ओबिडोस, पुर्तगाल के फेरी टेल टाउन का भ्रमण। ओबिडोस लीरिया जिले ऑस्टिक क्षेत्र और पूर्व एस्ट्रेमादुरा प्रांत में एक शहर और एक नगर पालिका है। शहर में करीब 3,100 लोग रहते हैं। 2011 में नगर पालिका में 11,772 निवासी थे और 141 वर्ग किलोमीटर को कवर किया। मध्य पुर्तगाल में ओबिडोस का रोमांटिक मध्यकालीन शहर लिस्बन से लगभग 1 घंटे की ड्राइव पर निश्चित रूप से एक यात्रा के लायक है, भले ही पुर्तगाल के बड़े शहरों में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित होता है। 1282 में पुर्तगाल के राजा डेनिस ने अपनी पत्नी को ओबिडोस को शादी के तोहफे के रूप में दिया था। उसने पहले इसके लिए एक लाइक का संकेत दिया था। ओबिडोस की परी कथा के आकर्षण का सही मायने में आनंद लेने का एकमात्र तरीका इसकी घुमावदार कोबलस्टोन गली में इत्मीनान से टहलना है। तपती गर्मी के सूरज को प्रतिबिंबित करने के लिए पारंपरिक घरों को पिछली सड़कों पर सफेदी कर दिया जाता है। बोगनविलिया और जेरिनियम, जो पीले या नीले रंग की इमारत ट्रिम के विपरीत हैं, हथियारों के शाही कोट के रंग जीवंत फूलों में से हैं, जो प्रवेश द्वार और खिड़की के सिले को सजाते हैं। जब आप शहर के मुख्य मार्ग रुअ डरेटा पर टहलते हैं तो स्टोव, भोजनालयों और अन्य आकर्षणों का अन्वेषण करें। प्रसिद्ध महल, जिसे एक आलीशान होटल में तब्दील कर दिया गया है, उसे पुसादा कास्टेलो ओबिडोस कहा जाता है। पुर्तगाल के 7 अजूबों में से एक पुसादा शानदार और मनमोहक है। एक शानदार रेस्टोरेंट और एक अनोखा बार दोनों मौजूद हैं। आप अपना समय महल के वास्तविक मध्यकालीन क्वार्टर या पास के कासा डो कास्टेलो में बिताना चुन सकते हैं, जिसमें गांव जैसा माहौल अधिक है। ओबिडोस को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर नामित किया गया है, जो एक प्रतिष्ठित पदनाम है जो साहित्यिक प्रयासों में शहर की चौड़ाई, गहराई और उत्कृष्टता को पहचानता है। ओबिडोस में पुस्तकालय, संग्रहालय, गैलरी, घर, सार्वजनिक क्षेत्र और बाजार सभी पुस्तकों के साथ अच्छी तरह से शामिल हैं। ओबिडोस के पास 500 से अधिक पुस्तकें हैं, जबकि जनसंख्या 3,000 से अधिक है। सभी अप्रत्याशित स्थानों पर पुस्तकों की तलाश करना मनोरंजक है। एक पूर्व चर्च में लिवरिया डी सेंटियागो है। किताबों की दुकान लिवरिया दा अडेगा पहले एक वाइन सेलर थी। ओबिडोस डाकघर की दीवारों के चारों ओर बिक्री के लिए किताबें हैं। फोलियो ओबिडोस में आयोजित एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव है, जो दुनिया भर के लेखकों, पाठकों, संगीतकारों और कलाकारों को एक साथ लाता है। केंद्रीय प्लाजा पर राजा अफोंसो आई हेनरिक्स ने मूर्स से ओबिडोस को वापस लेने के बाद एक चर्च का निर्माण किया। ओबिडोस में प्राथमिक चर्च सेंट मैरी चर्च है। इमारत का पुनर्निर्माण किया गया है और इंटीरियर को सुंदर टाइलों के साथ रेखांकित किया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि इसका अधिकांश भाग वर्षों से बर्बाद हो गया है। कुछ समय चौक के चारों ओर देखने में बिताएं, जहां 15वीं शताब्दी में अपराधियों को अपमानित करने और दंडित करने के लिए एक स्तंभ का उपयोग किया जाता था। उन मछुआरों के सम्मान में जिन्होंने रानी एलेनो के बेटे को टैगस नदी के पास निधन के बाद पाया, यह एक जाल की तस्वीर से अलंकृत है। ओबिडोस मध्यकालीन बाजार और मेले के लिए आदर्श स्थान है, जो शहर के मध्यकालीन अतीत को देखते हुए है। जुलाई के मध्य और अगस्त की शुरुआत के बीच यह वार्षिक आयोजन होता है।
जैसा कि आप जीवंत बैनर और झंडों से घिरे हुए हैं, सजे धजे मेले में जाने वाले घूमने वाले मिस्त्री मस्खरे नर्तक और अन्य कलाकार हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपको मध्य युग में ले जाया गया है। कई विक्रेता भोजन दस्तकारी की वस्तुएं परिधान सहायक उपकरण विषमताएं अवधि कलाकृति और भोजन बेचते हैं। अन्य हाइलाइट्स में एक बेदखल और एक मध्यकालीन दावत के पुनर्मूल्यांकन शामिल हैं। समारोह में भाग लेने के लिए आगंतुकों से पोशाक पहनने का आग्रह किया जाता है। चॉकलेट प्रेमियों के लिए वार्षिक ओबिडोज इंटरनेशनल चॉकलेट फेस्टिवल सबसे अच्छा आयोजन है। हर साल एक अलग विषय होता है। अतीत में इन विषयों में प्राकृतिक दुनिया संगीत प्रेम और जलवायु परिवर्तन शामिल थे। लोग त्योहार के दौरान चॉकलेट का आनंद लेने बनाने और उसकी सभी भव्यता में प्रशंसा करने के लिए एकत्र होते हैं। चॉकलेट कलाकारों को उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण करते हुए देखते हुए आगंतुक लाइव मनोरंजन प्रदर्शन स्वाद कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों में भाग ले सकते हैं। चॉकलेट डीलरों द्वारा हर तरह के उत्पाद पेश किए जाते हैं। इस बहुचर्चित आयोजन के लिए आपको अपने टिकट जल्द से जल्द खरीद लेने चाहिए। ओबिडोज लैगून में ताजा समुद्री भोजन प्रचुर मात्रा में है। स्थानीय मछुआरे हर दिन ताजा क्लैम पकड़ते हैं, जो एक स्वादिष्ट व्यंजन है। पोसाडा कैस्टलो ओबिडोज के रेस्तरा में उन्हें आजमाएं। जब आप पुराने ओबिडोज कैसल में भोजन करते हैं तो दोपहर के भोजन की गारंटी दी जाती है। जब आप मुख्य सड़क की खोज कर रहे हों, तो आप बार इब्न एरिक रैक्स नामक एक विचित्र सराय में रुकना चाहेंगे। गिंजा का स्वाद ले स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली चेरी से बना एक मीठा विशेषता लेकर यह एक छोटे गिलास में या अक्सर एक छोटे चॉकलेट कप में परोसा जाता है, जिसे आप अपने पेय का आनंद लेने के बाद खाते हैं। बार इब्न एरिक रैक्स के पास मेनू में केवल एक भोजन विकल्प है, लिंगुइका सॉसेज फ्लेम को आपकी टेबल पर ग्रिल किया गया और अजोरिस और घर की बनी ब्रेड के साथ परोसा गया। निराला सजावट के साथ यहाँ आनंद लेने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चर्चित जगहों पर हमारे पास 200 से अधिक वीडियो हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहें।